सो अगर आप 15,000 रुपये के बजट में एक ऐसा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं जिसमें अच्छी डिस्प्ले, कैमरा एंड प्रोसेसर हो, सो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जिनमें आपको ये फीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे और भी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सो 5th नंबर पर आने वाले फ़ोन का नाम है Realme 12X 5G। सो बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, सो इस फोन में हमें 6.72 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट एंड 950 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। सो बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, सो इस फोन में हमें 50+2 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी देखने को मिल जाता है। सो बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, सो इस फोन में हमें Dimensity 6100 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 6nm पे बेस्ड है एंड इसके अलावा इसमें हमें Android 14 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो अब बात करते हैं इस फोन के बैटरी की, सो इस फोन में हमें 5000 mAh की बैटरी एंड 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड इसके अलावा इस फोन में हमें स्लिम एंड लाइट वेट डिजाइन देखने को मिल जाता है एंड इस फोन में हमें कुछ और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि ऑडियो जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर एंड IPX4 रेटिंग। सो बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग की, सो इस फोन का प्राइस है 13,499 रुपये। सो 4th नंबर पे है iQOO Z7S 5G। सो इस फोन में हमें 6.38 इंच की FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट एंड 1300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। सो अब बात करते हैं इसके कैमरे की, सो इस फोन में हमें 64+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। सो अब बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, सो इस फोन में हमें स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है एंड इसके अलावा इस फोन में हमें एंड्रॉइड 13 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इस फोन के बैटरी की, सो इस फोन में हमें 4500 mAh की बैटरी एंड 44 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड इस फोन में हमें 6+128GB का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है एंड ये फोन प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है और बहुत ही लाइट वेट डिजाइन के साथ आता है। सो इस फोन में हमें कुछ और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, IP54 रेटिंग एंड मोशन कंट्रोल। सो बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग की, सो इस फोन का प्राइस है 15,000 रुपये। सो 3rd नंबर पे आता है Realme Narzo 65G। सो इस फोन में हमें 6.43 इंच की FHD प्लस AMOLED डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें हमें 64+2 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, सो इस फोन में हमें Dimensity 6020 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है एंड Android 13 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड इसके अलावा इसमें 5000 mAh की बैटरी एंड 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इस फोन में हमें 8+128GB का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है एंड इस फोन में हमें बहुत ही प्रीमियम लेदर डिजाइन देखने को मिल जाता है। सो बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग की, सो इस फोन का प्राइस है 15,000 रुपीज। सो 2nd नंबर पे है पोको X6 नियो। सो इस फोन में हमें 6.67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट, 1000 निट्स की ब्राइटनेस एंड गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। सो बात करते हैं इसके कैमरे की, सो इस फोन में हमें 108+2 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है एंड इसके अलावा इस फोन में हमें Dimensity 6080 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 6nm पे बेस्ड है एंड Android 13 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो बात करते हैं इस फोन के बैटरी की, सो इस फोन में हमें 5000 mAh की बैटरी एंड 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड इसके अलावा इस फोन में हमें 8+128GB का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है एंड इस फोन में भी हमें बहुत ही स्लिम एंड लाइट वेट डिजाइन देखने को मिल जाता है एंड इसके अलावा इसमें हमें Dolby Atmos का सपोर्ट एंड ऑडियो जैक जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग की, सो इस फोन का प्राइस है 15,000 रुपये। सो 1st नंबर पे आने वाले फोन का नाम है Realme P1 5G। सो अगर आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए सो आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। सो इस फोन में हमें 6.67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट एंड 2000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। सो बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, सो इस फोन में हमें 50+2 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। सो बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, सो इस फोन में हमें Dimensity 7050 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि Android 14 के साथ आता है। सो बात करते हैं इस फोन के बैटरी की, सो इस फोन में हमें 5000 mAh की बैटरी एंड 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड इस फोन में हमें 6+128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है एंड इस फोन में हमें कुछ और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि IP54 रेटिंग, रेन वाटर स्मार्ट टच एंड VC कूलिंग। सो बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग की, सो इस फोन का प्राइस है 16,000 रुपये बट अगर आप बैंक ऑफर्स एंड डिस्काउंट अप्लाई कर देंगे सो ये फोन आपको 15,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो आप इसे लाइक करिए और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।